गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम आह धरती कितना देती है इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। असल में देखा जाए तो इस कविता को हम पिछले क्लास से देख रहे हैं। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है, प्रकृति प्रेमी जिनको हम कहते हैं, प्रकृति के कवि है। देखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में से है सुमित्रानंदन पंत जी, और उन्होंने प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से हमें जो बातें बताई है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। देखिए कि धरती माँ जो होती है, अभी आप देखते हैं कि चारों ओर हरियाली छाई हुई होती है। जो भी ज़मीन बंजर होती है उसके ऊपर कुछ न कुछ ना आए तो घास या अन्य कोई पेड़ पौधे तो आ ही जाते हैं। देखिए, और एक किसान यदि उसके ऊपर मतलब अच्छे से मरम्मत मेहनत करके यदि बीज आदि बोता है तो अच्छी फसल पा लेता है। कभी कभार क्या हो जाता है, देखिए बाढ़ आदि आती है, अकाल आदि हो जाता है, हाँ, तो उस वक्त क्या होता है, देखिए हमें जितना मिलना चाहिए उतना अनाज मिलता नहीं है, लेकिन कुछ खाली भी नहीं जाता है, थोड़ा तो मिलता ही है। मतलब 10 थैलियाँ जिधर अनाज की होती थी उधर 2-4 तो होती ही है। इस प्रकार से धरती माता जो है वो कभी किसी के ऊपर इतना क्रोधित या इतना गुस्सा आदि नहीं करती है, क्योंकि ये धरती माँ है। ओके, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की तट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट गए, फूट पड़े ऊपर को। अभी देखिए, पहली बारिश होने के बाद क्या हो जाता है, देखिए चारों ओर से जिधर किधर भी झरने आदि होते हैं वो खुले हो जाते हैं और पानी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य जो बाकी की जो स्थितियाँ हैं उधर की अगल बगल की वो भी वैसी होती है। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े हैं ऊपर को, चारों ओर से झरने, नए नए झरने फूट जाते हैं, उधर से पानी निकलता है। देखिए, और कवि बोलते मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है इनका। अभी इन लताओं का वंश हो, इन झरनों का हो, वो कैसे बढ़ता है ये देखकर मैं अवाक सा रह गया, अचरज सा रह गया, मुझे इसने सोचने पर मजबूर किया। छोटे तारों से छितरे, फूलों के छोटे झांगों से लिपटे, लहरी शामल लतरों पर सुंदर लगते थे। देखिए, और ये छोटे तारों जैसे अभी एकाध दूसरी लता है और उसके पान के ऊपर इस बारिश की मतलब बूंदे गिरती है और बाद में थोड़ी देर बाद वहाँ पर धूप आता है तो मोतियों जैसे चमकने लगता है पानी भी। आप कभी कुदरत के मतलब इस प्रकृति के करीब जाकर देखिए उसमें कितना मतलब सौंदर्य होता है, और वो हमारे मन को आह्लाद देता है। प्रसन्नता, सच्ची प्रसन्नता जब होती है तब उसको आह्लादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार का कार्य वो किया करते हैं। छोटे तारों से छितरे, फूलों के छोटे झांगों से लिपटे, लहरी शामल लतरों पर सुंदर लगते थे, मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बांटों से। और इस प्रकार से ये चारों ओर हसमुख नभ, बारिश आने से पहले काले बादल जब छाते तो किस प्रकार का कितना संकेत वो हमें देते हैं। देखिए, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वो दे रहे हैं। ओ समय पर इनमें कितनी फलियाँ टूटी, कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ। और इस प्रकार से ये चारों ओर ये धरती ने मानो एक प्रकार से हरे रंग की चादर ओढ़ रखी है, ऐसे हमें प्रतीत होता है। ये धरती हमें बहुत देती है और प्रसन्न रखती है। देखिए, इसलिए इसको माँ कहा गया है। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, हाँ फलियाँ जैसे कि मटर की फलियाँ वो अलग, ये फलियाँ यहाँ पर मूंगफली, हाँ हम लोग खाते हैं ना, यस, तो उसी प्रकार से पतली चौड़ी फलियाँ, उप उसकी क्या गिनती है। और इस धरती माता ने हमें क्या दिया है उसको हम गिन नहीं सकते हैं।
शब्दों में भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है ये बताया देखिए, क्योंकि शब्द भी कम पड़ते हैं, वर्णन न कर नहीं करते ऐसे नहीं होता है। ये वसुधा, ये धरती माँ, ये पृथ्वी जो होती है, ये धरा धरती, इसके समानार्थक शब्द है देखिए। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्नी नन्नी तलवारों सी, और ये फलियाँ जो होती है, मूँग फलियाँ आप देखिए, हाँ मटर की होती है, अन्य इसके आदि होती है, हाँ। तो वहाँ पर ये मूंग की पलिया आदि जो होती है वो लंबी लंबी होती है, कभी कभार नाखून जैसी भी होती है, हाँ वो प्रतीत होती है हमें, नन्नी नन्नी सी मतलब छोटी छोटी सी। तलवारों सी, पढ़ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी, ढेर ढेर खिल झुंड झुंड झिलमिला कर, कचपचिया तारों सी। और ये इतनी सुंदर होती है, ये छोटी छोटी ये मतलब उंगलियों जैसी ये पल्लिया, कि वो मानो एक चंद्रमा की तारों जैसे हमें प्रतीत होती है, और एक झुंड पर लग गई तो ढेर सारी होती है, हाँ। फिर कुछ आपने देखा होगा कि वो गवार को बिनी शादी होती है, उसको आपने देखा है कि उसकी पल्लिया लंबी लंबी तलवार की तरह होती है, बेनिस की आप लोग देखते हो तो कितनी लंबी, इतनी लंबी होती है। फिर हम लोग ड्रम स्टिक, शेवगा सेंगा कहते हैं ना, यस मराठी में, हिंदी में उसको पल्लिया कहा जाता है, देखिए ड्रम स्टिक आदि हम देखते हैं, तो तलवार की भांति वो हमें प्रतीत होती है। देखिए पढ़ने पढ़ने के पीछे वो छिपी होती है, इस प्रकार से हमें हमारे मन को भाने वाली ये स्थिति होती है। आ इतनी फलियाँ टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम घर घर में पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगते ने, हाँ मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। और इतनी ये फलियाँ मिली कि चारों ओर हमें, हमने क्या किया, सब में बांटी उसको, बंधु बांधवों में, मित्रों में, लोगों में, सब में, अड़ोस पड़ोस में, तो मन प्रसन्न करके लोगों ने इसको खाया, गली मोहल्ले में सब ने दिन रात इसको खाया है। देखिए कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारों पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं, उनके महत्व को बचपन में ची स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, रत्न प्रसविनी है वसुधा। मतलब कवि कहते हैं मैंने बचपन में, फिर ऐसे ही सब कुछ होता है तो मैंने क्या कहते पैसे बोकर देखा, यदि एक पलिया बोने के बाद इतना मिलता है तो एक रुपये एक चवन्नी हम लोग अंदर बो देंगे तो पैसों का पेड़ ही लगेगा, ऐसे उनको प्रतीत होता है देखिए बचपन में। और इसलिए वो वसुधा उस धरती माता के अंदर पैसे बो देते हैं, चारों ओर से ये धरती अपने पुत्रों को इतना सब कुछ देती है, तो उसके बदले में हमें इसकी रक्षा करना, यहाँ पर प्रदूषण होने नहीं देना है, यह हमारा फर्ज होता है। देखिए रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, अरे स्वार्थ के लिए इसमें कुछ बोया जाए तो वो अच्छे से नहीं आता, कि ये जनता के लिए, समता के लिए, समता बंधुता एकात्मता आदि जैसे गुण देखने के लिए हम लोग इसको, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पली भरी होती है। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, मनुष्य के ऊपर एक दूसरे मनुष्य को मनुष्य की तरह उसके साथ व्यवहार करना है, मानवता उसको दिखानी है, तब जाकर ये धरती फूलेगी फलेगी, जिसमें उगल सके फिर धूल सुनहली फसले, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अंत में कवि कहते हैं हम जैसा कर्म करते हैं, जिस प्रकार से किसी को कुछ देते उसी प्रकार का वापस हमें वो मिलता है, मतलब किसी का हम आदर करें तो वो भी हमारा आदर करते हैं, किसी का हम अनादर करते तो हमारा भी हो जाता है,
हम जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, अच्छा हो बुरा हो। हाँ, तो जो बातें हमें करनी होती है सोच समझ कर करनी होती है। देखिए, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकार प्रस्तुति इस कविता के माध्यम से हमें सुमित्रानंदन पंत जी ने जो बातें बताई है कि आ धरती कितना देती है, इसके माध्यम से ये सारी बातें बताई है। देखिए कि प्रतिफल को सरल काव्य पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने समझाया है। हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। कवि का कहना है कि बचपन में उन्होंने धरती में पैसे बोए थे, तो आगे जाकर वो देखते हैं लालचवश कि पैसों के पेड़ उगेंगे। तो मन में स्वार्थ, मन में लालच रखकर ये काम करते हैं, तो धरती माता उसके बदले में हमें कुछ देती नहीं है, ये बातें उन्होंने बताई है। निस्वार्थ हेतु जब कार्य आदि करते हैं तब उसकी लिखा पट्टी वहाँ पर होती है। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जिसको सिर्फ और सिर्फ वो विधाता ही मतलब ये कह सकता है। इस प्रकार की ये बातें यहाँ पर उन्होंने बताई है। ओके, धन्यवाद।